Hi friends, I'm Prangya Rudramohanty and welcome to my channel. So friends, जैसे कि आपको पता है ये festive season series चालू है, तो ये video में मैं एक envelope बना रही हूँ. ये मैंने paper से बनाया है envelope और इसके ऊपर मैंने painting खुद से किया है. तो चलिए फिर देख लेते हैं. और अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो please subscribe and share कीजिए और मेरे Instagram ID को follow कीजिए, so that वहाँ से आप बहुत सारा handcrafted products और painting buy कर सकते हैं या फिर customized order दे सकते हैं. तो चलिए फिर start करते हैं. यहाँ पे मैंने ये drawing sheet एक लिया है. ये 22x10 सेंटीमीटर का है और उसको मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया है बैक साइड से. दोनों साइड से सेम डिस्टेंस है और सेंटर में मैंने इधर ग्लू लगा के उसको थोड़ा टाइम छोड़ दिया है, सो दैट वो ग्लू सूख जाएगा. एक बार ये ग्लू सूखने के बाद फिर हम साइड से थोड़ा सा कट करेंगे. यहाँ पे कट करने के बाद फिर और जो इसके जो दोनों कॉर्नर्स रहेंगे उधर से हम ऐसे थोड़ा कर्व कट कर लेंगे यू शेप का, और उधर भी ग्लू लगा के एक पॉकेट जैसे बना देंगे. तो देखिए अभी हमारा ये एनवलप रेडी हो गया है. ये एक पॉकेट शेप में आ गया है और इसका साइज है 10x10 सेंटीमीटर. तो चलिए इसके ऊपर फिर मैं पहले पेंसिल से कुछ पिक्चर्स बनाऊंगी. तो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या पिक्चर्स बनाए हैं. मैंने यहाँ पे चार एनवलप बनाए हैं. पहले ये फिश का डिज़ाइन मैंने बनाया है, ये सेकेंड वाला फ्लावर है और ये थर्ड वाला भी फ्लावर है. मैंने एक ही कॉर्नर में इसको बनाया है क्योंकि एनवलप छोटा है तो ज़्यादा क्लमजी लगेगा. और ये फोर्थ वाला मैंने ये ट्रायंगल शेप बनाया है. इधर मैं कुछ मधुबनी का मोटिफ देने वाली हूँ. यहाँ पे मैंने ये माइक्रोन 08 का पेन लिया है. जो मैंने पेंसिल से मोटिफ्स ड्रॉ किए हैं उसको मैं हाईलाइट करूँगी. हाईलाइट करने का एक एडवांटेज ये है कि आपका पिक्चर बहुत ही प्रोमिनेंट दिखता है और कलर्स भी बहुत अच्छे आते हैं. तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं हाईलाइट करना. यहाँ पे ये जो फ्लावर मैंने बनाया था उसको मैं धीरे धीरे हाईलाइट कर रही हूँ. और केयरफुली कीजिएगा क्योंकि ये इरेज नहीं हो सकता है. और पेपर में कभी भी आप ड्राइंग कलर करेंगे ना तो केयरफुली कीजिएगा क्योंकि एक बार गलत हुआ तो आप उसको एडजस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. तो चलिए फिर ये पिक्चर बना लेते हैं. मैंने यहाँ पे फ्लावर को हाईलाइट कर दिया है. फिर यहाँ पे ये लीफ को हाईलाइट करना बाकी है. और आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, कोई भी साइज ले सकते हैं. यहाँ पे मैंने लिफ के लिए फेविक्रिल का ग्रीन कलर लिया है. दो शेड्स मैंने लिया है, एक थोड़ा सा डीप कलर और लाइट कलर, और फ्लावर के लिए ऑरेंज कलर लिया है. और यहाँ पे मैं जो लिफ को कलर कर रही हूँ वो एक लीफ को डीप ग्रीन कलर कर रही हूँ और उसके सेकेंड नेक्स्ट वाला जो लीफ है उसको मैं लाइट ग्रीन कर रही हूँ, सो दैट ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा. और सेम कलर देंगे तो थोड़ा मोनोटोनस भी दिखता है तो उसके लिए. और यहाँ पे मैंने 000 साइज का ब्रश लिया है ये लीफ को फिल करने के लिए कलर से. एक बार हमारा ये लीफ का कलर हो गया तो मैं ऑरेंज कलर लिया है मैंने ये फ्लावर को कलर करने के लिए, और उसके अंदर थोड़ा सा शेडिंग करने के लिए मैंने रेड कलर लिया है.
चलिए फिर देख लेते हैं हमारा ये एनवलप, ये रेडी हो गया है और यहाँ पे एम्पल स्पेस भी है जहाँ पे आप विशेस वगैरह लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और आप मुझे बल्क ऑर्डर दे सकते हैं या फिर कस्टमाइज ऑर्डर भी दे सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।